नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। ऑपरेशन प्रबल प्रहार के बाद अब सिरसा में खुलेगी एसटीएफ की शाखा। पुलिस अधीक्षक हामिद अख्तर ने दी पूरी जानकारी। एसटीएफ को लेकर के शीघ्र होगा स्थान का चयन। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। सरकार द्वारा नशे के खिलाफ गठित की गई एसटीएफ की सिरसा में शाखा खुलने जा रही है। इसके बाद सिरसा व आसपास के क्षेत्र में नशों पर लगाम लग सकेगी। यह जानकारी आज सिरसा के पुलिस अधीक्षक और ऑपरेशन प्रबल प्रहार के मुख्य कर्ताधर्ता हामिद अख्तर ने दी। उन्होंने बताया कि सिरसा में ऑपरेशन प्रबल प्रहार कामयाब हुआ है। इसी को देखते हुए सरकार की ओर से नशीले पदार्थों पर और नशाखोरी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से एसटीएफ का गठन किया गया है, जिसकी शाखा सिरसा में भी खुलने जा रही है। एसटीएफ के डीआईजी सतीश बालन की ओर से उन्हें इस बारे में जानकारी दी गई है। इसके बाद में स्थान का चयन किया जाएगा और उसके बाद एसटीएफ की शाखा खोली जाएगी। हाँ, आज हमारे पास डीआईजी एसटीएफ जो है उनका कॉल आया था। वो कह रहे थे कि ब्रांच जो है हम यहाँ इस्टेब्लिश करेंगे, और उस पर उन्होंने फिर जगह के बारे में बात हुई हम लोग तो जगह एक हमारे ओल्ड सीआईए जहाँ थी वहाँ पे एक बिल्डिंग है एचएसआईआईडीसी की, उसको देखकर भी मैं आया। और भी जगह मैं देख रहा हूँ, एक ऑप्शन देख रहा हूँ कि कहाँ पे एसटीएफ की जो टीम है, जो ब्रांच है, उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। और बेसिकली वो टीम भी नशा के खिलाफ जो है यहाँ पे काम करेगी। तो एक वेलकम स्टेप है जो सीएम साहब कह रहे हैं कि हम नशा के खिलाफ एक प्रबल जो एक प्रयास है कि उसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सके वो करेंगे। तो उसी पहल में एसटीएफ का ब्रांच जो है यहाँ पे खोला जा रहा है। वेलकम स्टेप है ये डिपार्टमेंट की। ये पहले भी चक्का जाम किया गया था, तो जिस वे में हमने उस वक्त ड्यूटियाँ लगाई थी उसी वे में हम ड्यूटी लगा रहे हैं। सारे एसएचओ चौकी इंचार्ज और जो एक्स्ट्रा फोर्स हम दे सकते हैं वो भी हमने दो प्लेटून जो है अलग से निकाली हैं हर जगह सुरक्षा की नज़र से। और हम बिल्कुल सतर्क हैं, किसी भी अप्रिय घटना को नहीं होने देंगे, और जो भी सुरक्षा की दृष्टि से चीज़ें हो सकती हैं हम कर रहे हैं।